भारत यदि विश्व गुरु बन जाता है तो विश्व का संभावित वातावरण कैसा होगा? अरे अपने आप बताइए, ऐसा जब होता है भारत विश्व गुरु बनेगा यानी क्या होगा? तो धर्म स्थापना होगी, उस शाश्वत धर्म का आचरण अपने अपने देश के दिक्काल परिस्थिति में कैसे करना, इसका मार्गदर्शन भारत करेगा। तो होगा वही, कालो वर्षति पर्जन्या पृथिवीं सस्यशालिनी देशो अयम क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणम सन्तु पुत्रिणम पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सधा सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। यानी पर्यावरण ठीक रहेगा, जो ज्ञान की उपासना करने वाले तपस्वी लोग हैं वो, ये दुर्भाग्य की बात है कि उनमें शासन का अन्य बातों का डर रहता, वो डर नहीं रहेगा, निर्भय होकर वो अपना काम करें। बायोडायवर्सिटी चलती रहेगी, वो केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, पुत्रा पुत्रिण संतु सभी जीवों की परंपरा चलती रहेगी। और साधन धन विहीन कोई नहीं होगा, और किसी के मन में किसी प्रकार का कलुष द्वेष मत्सर आदि नहीं रहेगा, सब लोग निरामय होंगे। फिर स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयता नये न मार्गेण महिम महिषा, तो राजा लोग न्याय मार्ग से प्रजा का परिपालन करेंगे, प्रजा पर शासन नहीं करेंगे, केवल शासन परिपालन के लिए हो। और गो ब्राह्मणेभ्यो यानी पृथ्वी और ज्ञान की उपासना करने वाले निर्भय लोग, उनका शुभ रहेगा और सारे लोग सुखी होंगे। ये जो स्थिति है, ये स्थिति विश्व अनुभव करेगा, कलह रहित शांति युक्त परस्पर सहयोग से आगे बढ़ने वाली मानवता और सारे विश्व को समृद्ध करेगी, ऐसा चित्र दिखेगा, ऐसी अपेक्षा है। उसके लिए भारत को पहले वैसा तैयार होना पड़ेगा, लेकिन भारत विश्वगुरु होना है यानी ये होना, यही अपेक्षा। महाराष्ट्र कल्याण से डॉक्टर दिनेश प्रताप सिंह की जिज्ञासा है, भारत और भारतीयता के प्रति देश में अनुकूल वातावरण दिखाई दे रहा है, ऐसे में साहित्य परिषद के लिए आपका क्या मार्गदर्शन है? उस वातावरण को और बढ़ाना, बैठिए ना बैठिए, वातावरण को बढ़ाना और भारत और भारतीयता क्या है इसको स्पष्ट कर, है ना? नहीं तो भारत भारती के बात तो सब करते हैं लेकिन अभारतीय बन गए ऐसे लोग हैं। भारत के स्व की उत्कृष्ट चर्चा अंग्रेजी में करते हैं क्योंकि भारत की भाषा नहीं मानते, अपनी मातृभाषा भी नहीं मानते, तो ये कोरा वर्णन हो गया, उसका परिणाम नहीं होगा। तो भारतीयता तो जीना, भारतीयता क्या है ये समझना। तो भाषा भूषा भजन भोजन भ्रमण भवन, इसका कोई संबंध है भारतीयता से? इसको बिल्कुल ही नहीं, नहीं वो तो समय के धारा के अनुसार सब बदलता है इसलिए वो सब बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि समय की धारा में बिल्कुल नहीं बदलेगा, देशकाल परिस्थिति अनुसार आचार धर्म में परिवर्तन अनिवार्य है और अपेक्षित भी है, लेकिन आचार धर्म में परिवर्तन करते करते शाश्वत धर्म ही छोड़ देना ये ठीक नहीं है। ये जो एक भारतीयता का विशेषता ये, वो किसी भी अतिवाद पर नहीं जाती, एक्सट्रीम पर नहीं जाती, वो हमेशा मध्यम मार्ग पर चलती है। वो तथागत ने उसी को धर्म कहा है, धर्म मध्यम मार्ग है। तो ये सम्यक भारतीयता ये क्या है, इसका निरूपण लेखों में से, कथाओं में से, नाटकों में से, सब प्रकार की साहित्य विधाओं में से ये वर्णन आना चाहिए और जनता का प्रबोधन होना चाहिए। पहले प्रश्न के उत्तर में एक बात रहेगी,
लोक श्रुति भी एक साधन है सत्य जानने का। तो लोक साहित्य बहुत है, उसमें बहुत वर्णन है, प्रांतीय भाषाओं में बहुत सारा लोक साहित्य है और उसमें बहुत सारे सही वर्णन है। वो ताड़ के देखते हैं तो सारा सूत्र मिलता है, इसलिए वो भी एक सोर्स है। उनका भी उपयोग करके ये सम्यक भारतीयता जन जन तक पहुंचानी चाहिए, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचानी चाहिए। विडंबना समय की ऐसी है कि संपन्न सुशिक्षित वर्गों में छूट रही है भारतीयता और विपन्न अशिक्षित वर्गों ने अभी तक रक्षण करके रखी है। तो वहां विपन्नता न रहे और अशिक्षा न रहे, और यहां वो जो परंपरा का रक्षण उन्होंने किया है वो प्रवृत्ति सुशिक्षित और संपन्न वर्गों में आए, ये भी हमको करना पड़ेगा। इसके लिए जो समाज प्रबोधन का काम है वो साहित्यकारों से अपेक्षित रहेगा। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।